नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्डनिंग इन पोर्ट यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो पर। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने पोर्टुला का टावर बनाया है प्लास्टिक बोतल का यूज करके। जो वेस्ट बोतल थी मैंने उनको कट करके जो है पोर्टुला का टावर बनाया है। यदि आपको ये पोर्टुला का टावर अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो आप भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैंने इस पोर्टुला का टावर को कैसे बनाया है। और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत आसान है इसको बनाना और आप इसको कहीं पर भी टांग सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इसको मैंने हैंग किया हुआ है, इसको मैंने टांग रखा है। तो आप वीडियो को पूरा देखें यदि आप इस तरह का टावर बनाना चाहते हैं। इसे जो है आप टांग भी सकते हैं और किसी भी मिट्टी में या फिर कहीं पर भी जो है गमले में आप इसे खड़ा भी कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। मैंने इसमें जो है 5 बोतलों का यूज किया है इसको बनाने के लिए। आप 5 की जगह 10 बोतल का भी यूज कर सकते हैं। अभी आप ये देखिए, ये मैंने जो है इसको गमले में जो है खड़ा कर रखा है। आप इसको गमले में खड़ा भी कर सकते हैं और इसको तार के सहायता से जो है कहीं पर भी हैंग भी कर सकते हैं, लटका भी सकते हैं। तो मैंने इसको लटकाने के लिए इसमें तार का टुकड़ा जो है अटैच कर रखा है। तो अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से देख लेते हैं हमने इसको जो है कैसे बनाया है। ये है मेरे पास प्लास्टिक की बोतल, ये 2 लीटर की बोतल है। और हमें करना क्या है, हमको इस बोतल को यहाँ से इस जगह से है कट करना है, पूरा कट करके इसको अलग करना है, इसके 2 पार्ट करने हैं। काटने के लिए आप कैंची का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं कटर का यूज कर रहा हूँ। आप जैसे भी काटो, लेकिन हमारी जो बोतल है पूरी सीधी कटनी चाहिए, इधर उधर नहीं कटनी चाहिए। तो मैं जल्दी से इसको काट लेता हूँ। दोस्तों ये पोर्टुला का टावर पसंद आने पर आप भी गार्डनिंग पोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी भी जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी उन वीडियोस को देख सकें और गार्डनिंग में कुछ नया नया सीख सकें। प्लास्टिक की बोतल जो है मैंने काट दी है, अभी आप देख रहे हैं इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। तो हमें इस तरह से प्लास्टिक की बोतल को काटना है। आप जितनी भी बोतल का यूज करना चाहते हैं, जितना ऊँचा और बड़ा टावर बनाना चाहते हैं, उतनी बोतल का आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 5 बोतल का टावर बनाना है और मैंने 5 की 5 बोतल जो है उनको कट कर लिया है। अभी हमें करना क्या है, इन बोतलों को कट करने के बाद हमें जो है इसमें ड्रेनेज होल बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये है मेरे पास सुई और मैं इस सुई से जो है इसमें छोटे छोटे ड्रेनेज होल बना दूंगा। इसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे छेद कर देंगे, जिससे एक्स्ट्रा पानी जो है इन छेद में से बाहर निकल सके और हमारा जो पोर्टुला का प्लांट रहेगा वह ख़राब ना हो, सड़े नहीं। तो मैं जल्दी से इनमें जो है छेद कर लेता हूँ सभी बोतल्स में। मैंने सुई की हेल्प से छोटे छोटे छेद जो हैं इस बोतल में कर लिए हैं। तो आप भी यह कार्य जरूर करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी दोस्तों आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये 1/2 इंची पाइप का टुकड़ा है। आपके पास कोई भी प्लास्टिक की पाइप का टुकड़ा है 1/2 इंची, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास वेस्ट पड़ी हुई थी पाइप का, ये जो टुकड़ा है ये मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था, तो मैं इसका यूज़ जो है आज पोर्टुला का टावर बनाने के लिए कर रहा हूँ। हमें करना क्या है, हमें अपनी बोतल्स को जो है इस पाइप के टुकड़े के अंदर डाल देनी है, सॉरी पाइप के टुकड़े को हमें इस प्लास्टिक की बोतल के अंदर डाल देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना है और आप इस तरह से जो है जितनी चाहें उतनी बोतलें जो हैं ऐड कर सकते हैं। जितनी दूरी पर आप चाहें उतनी दूरी पर जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से ये काम कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने 5 बोतल काटी थी, मैंने उन 5 बोतल को कुछ इस तरह से इस पाइप में एडजस्ट कर दिया है। तो आप इस तरह से एक बढ़िया सा पोर्टुला का टावर बना सकते हैं या फिर इस तरह का टावर बना करके आप इसमें कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, कुछ भी जो है आप इसमें लगा सकते हैं और वो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हम जो है इसको टांगने के लिए कहीं पर भी किसी भी जगह पर टांगने के लिए हम इसमें एक और तार लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे वो हम अब आगे इस वीडियो में जान लेते हैं। इसके बाद पाइप के ऊपरी सिरे पर आप 2 होल करें, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, एक ये होल है और एक इस तरफ है। आपने 2 छेद करने हैं और हमें ऐसी आपके पास कोई तार हो, कच्ची तार हो, जो जिसे हम जिस शेप में करना चाहें वह उसी शेप में बहुत ही आसानी से हो जाए। तो हम इस तार की हेल्प से जो है हम इसको टांगने के लिए कहीं पर भी एक बढ़िया सा लॉक बनाएंगे। दोस्तों जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक वैसे ही आप करें, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप अपने तरीके से कैसे भी इसको हैंग करने के लिए कैसे भी रस्सी का यूज कर सकते हैं या किसी धागे का यूज कर सकते हैं या कैसे भी, तो आप अपने तरीके का भी यूज कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं, बाकी आप मेरी तरह करना चाहते हैं तो जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक वैसे ही करें, जैसे मैं इस तार को शेप दे रहा हूँ इसी तरह से आप भी शेप दें। हमने तार भी अटैच कर दिया है अपने इस पोर्टुलाका टावर को टांगने के लिए, कहीं पर भी हम इसको अब टांग सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप पहली बार देख रहे हैं तो आप भी गार्डनिंग पोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें,